नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं द्वंद्व प्रकृतियों के बारे में, यानी द्वंद्व प्रकृतियों की जो समस्याएं होती हैं और उन्हें किस प्रकार से अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए ताकि उनको ये समस्याएं ना हो और व्यवस्थित तरीके से वो अपने जीवन को जी सकें। और इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे कफ पित्त प्रकृति। कफ पित्त प्रकृति को क्या क्या समस्याएं होती हैं और इसका समाधान और उसकी दिनचर्या क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कफ एवं पित्त। कफ जो है जल तथा पृथ्वी महाभूत से बना है और पित्त जल तथा अग्नि महाभूत, तो दोनों में जल की समानता है, जल कॉमन है, यानी कि इस प्रकृति में जल की अधिकता रहती है, तो जल के जो गुण हैं अधिक दिखाई देते हैं, यानी कि नरम सॉफ्टनेस जो है जल की एक प्रॉपर्टीज है, गीलापन रहना हमेशा, यानी कि वह हमेशा गीलेपन से परेशान रहते हैं ये कफ पित्त प्रकृति वाले। जैसा कि हमने इनके शारीरिक और मानसिक लक्षणों में जाना था, शारीरिक लक्षणों में ऐसा था कि इनके शरीर से पसीना अधिक गिरता रहे, बदबू या दुर्गंध आती है, या ये थुलथुले और मोटे शरीर के होते हैं जो सॉफ्ट चमड़ी के होते हैं, जो काफ़ी नरम चमड़ी होती है जिनकी, जो कि जल का एक विशेष गुण है। और विशेषकर इनको जो जल से यानी गीलेपन से संबंधित समस्याएँ हैं, जैसे अधिक पसीना आना या स्किन की समस्याएं, सर जो कुष्ठ रोग हैं उसकी अधिक समस्याएं होती हैं, जिसमें सोराइसिस, एक्जिमा या डैंड्रफ की समस्या होना, खाज, खुजली, रैशेज, इन सब की अधिक समस्या होती है, क्योंकि यह गीलेपन से, आपने देखा होगा कि हम जैसे हमारे जननांगों में वहाँ पे गीलापन रह जाता है किसी कारण से या पसीने के कारण से, तो उसमें जो फंगल इन्फेक्शन होने की समस्या होती है या चांसेस होते हैं अधिक हो जाता है। तो इसी तर्ह से इनकी भी अंडर आर्म्स में, जननांगों में अधिक समस्या होती है गीलेपन से दुर्गंध आने की या इन्फेक्शंस होने की। और कफ पित्त वालों को पाचन से संबंधित भी कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे पित्त की अतिवृद्धि के कारण, यानी जो पित्त कफ प्रकृति के अंदर पित्त डोमिनेंट कफ होगा तो उसको एसिडिटी की काफ़ी अधिक समस्या होगी, या कफ से भी कई बार एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी की समस्या, पाचन का थोड़ा गड़बड़ हो जाना, इस प्रकार से जो समस्याएं होती हैं अधिक तौर पर एसिडिटी जिन्हें बरकरार रहती है, बार बार डकारें आती हैं, पेट का फूल जाना, खाना खाने के बाद उसे भारी हो जाना शरीर का, या भोजन पचने में दिक्कत होना, शरीर मीठा दर्द होना पेट के अंदर, तो इस प्रकार से जो समस्याएं होती हैं ये कफ पित्त वालों को होती हैं। फिर बात करते हैं कि किस प्रकार से कफ पित्त वाले अपने आप को व्यवस्थित रख सकते हैं, कफ पित्त को शांत रख सकते हैं, और इनकी दिनचर्या और आहार विहार क्या होना चाहिए। देखिए, कफ और पित्त की यहाँ अधिकता है जिसके कारण शरीर में स्निग्ध चिकनापन या जल की मात्रा जो है, सॉफ्टनेस की मात्रा जो है अधिक हो गई है, तो इसके लिए हमें जल को थोड़ा सुखाना पड़ेगा। जैसे जल को सुखाने के लिए रुक्ष चीज़ों का प्रयोग, यानी रूखी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, और जो हमारे 6 रस हैं आयुर्वेद में, उसमें से जो कड़वा रस है, विशेष करके कसाई रस भी इसमें उपयोगी है, परंतु जो कड़वा रस है वह नंबर 1 पर, यानी सबसे अधिक प्रयोग जो करना चाहिए इन 6 रसों में से, कड़वे रस को कफ पित्त वालों को ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो आयुर्वेद में कड़वा यानी कि तिक्त रस है वह आकाश और वायु महाभूत का संगम है, यानी आकाश और वायु महाभूत से मिलकर बना है, और जो कसाय रस है आकाश तथा पृथ्वी महाभूत का संगम है, यानी आकाश और पृथ्वी से मिलकर बना है, तो यहाँ पृथ्वी की थोड़ी अधिकता है जिसके कारण कसाय रस यहाँ थोड़ा कम उपयोगी है, क्योंकि यह कफ को बढ़ाएगा, लेकिन जो वायु और आकाश महाभूत इन दोनों से मिला है तो यह वात की वृद्धि करेगा शरीर में, यानी रूखापन लाएगा, जिसके कारण जल का जो अधिकता है उसको यह सुखाएगा, इसलिए कड़वे रस का यहाँ अधिक प्रयोग करना चाहिए। कड़वे रस में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे गिलोई है, चिरायता है, नीम है, करेला है, जितनी भी चीज़ें हैं इनकी थोड़े अधिक मात्रा में इनका प्रयोग करना चाहिए, और रूखी चीज़ों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। रूखी चीज़ें जैसे जो भुनी हुई, सेकी हुई आग पर चीज़ें होती हैं, मूंगफली, चना इत्यादि जो होता है, इसका अधिक सेवन करना चाहिए। ये प्रकृति में रूखापन और हल्कापन इनके अंदर होता है, जिससे ये अधिक जो जल बढ़ा है उसको ये सोखेंगे। और जो शरीर में वात की वृद्धि करने वाली चीज़ें हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, जिसके कारण जो कफ और पित्त है यानी कि कफ की जो संदिग्धता है वह कम होगी और इनको जो होने वाली समस्या है वह भी शांत होगी। फिर बात आती है, जैसे हम कई वीडियो में कह चुके हैं कि आंवला जो है त्रिदोषनाशक औषधि है, त्रिदोषनाशक होने के कारण
सभी दोष वाले इसका सेवन कर सकते हैं, विशेषकर पित्त वालों के लिए भी अच्छा है, वात वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर जो पित्त कफ वाले हैं, आंवले का सेवन विशेष करके करें, और कफ की अधिकता को सुखाने के लिए, विशेषकर जो कफ वालों के लिए कहा जाता है यानी कि शहद मधु, इसका प्रयोग इन्हें अवश्य करना चाहिए किसी भी फॉर्म में। देखिए, मधु को गर्म चीज़ों में सेवन नहीं करना चाहिए, गर्म पानी में उबाल कर या कुछ इस प्रकार से जो कई जगह सुना जाता है फैट वैट कम करने के लिए लोग लेते हैं जिम विम में, ये बहुत ही गलत है। शहद उष्ण चीज़ों के साथ प्रयोग करना वर्जित है। तो शहद का प्रयोग ठंडे पानी में 1 चम्मच मिला के दिन में खाली पेट सुबह या शाम को 2 समय ले सकते हैं, इनके लिए काफ़ी अच्छा है। अनाज में जौ और गेहूं का सेवन सभी प्रकृति वालों के लिए अच्छा है, जौ और गेहूं सभी प्रकृति वालों को विशेषकर खाना ही चाहिए। फिर बात करते हैं विहार की। विहार में देखिए, यहाँ जो कफ और पित्त प्रकृति है ना, जो द्वंद्व प्रकृतियाँ हैं, जो विषम प्रकृतियाँ हैं, वो काफ़ी गड़बड़ होता है क्योंकि इनको अधिक शीतलता से भी समस्या है, अधिक गर्मी से भी। तो ज़्यादा सर्दी के मौसम में भी इनको दिक्कत होगी और ज़्यादा गर्मी के मौसम में भी। तो सामान्य मौसम इनके लिए अच्छा है, ऐसी ही जगहों पर इनके लिए रहना अच्छा है जो ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, सामान्य मौसम में रहें, सामान्य स्थान पर रहें। इनके लिए व्यायाम अच्छा है जो कि शरीर से कफ को घटाएगा, पित्त को थोड़ा बढ़ा सकता है, परंतु मध्यम व्यायाम इनके लिए काफ़ी अच्छा है जो इनके शरीर से कफ को घटाएगा, जिसके कारण कफ की अधिकता से होने वाली समस्याएं हैं वह नहीं होंगी। फिर उसके बाद आते हैं पंचकर्म पर। पंचकर्म में वमन कफ के लिए, विरेचन पित्त के लिए। तो पित्त और कफ वालों के लिए वमन विरेचन बहुत ही अच्छा पंचकर्म है जो कि अपने अपने समय पर इन्हें कराना चाहिए। हर एक ऋतु में अलग अलग पंचकर्म का विधान आयुर्वेद में बताया गया है। जो फिलहाल शरद ऋतु चल रही है, इसमें विरेचन का प्रावधान है और विरेचन के ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो ये रही दिनचर्या कफ पित्त वालों की। कफ पित्त वाले इस प्रकार से अपने जो दोष हैं उसको व्यवस्थित या संतुलित रख सकते हैं, जिससे उनको इसकी अधिकता से होने वाली समस्याएं नहीं होंगी और वो बैलेंस जीवन जी सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे वात पित्त की। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं सादर, नमस्ते।